तो गाइज मैं आ गया हूँ चरण पहाड़ी, और पीछे है चरण पहाड़ी जो है नंदगांव में, और मेरे साथ मुरली भाई। मुरली भाई आगे डिटेल बताएंगे मेरे को, तो चलो चलते हैं, आपको लोगों को करवाते हैं दर्शन चरण पहाड़ी के, जहाँ पे ठाकुर जी के, हमारे बिहारी जी के चरणों के, पैरों के जो चिन्ह है वो है यहाँ पे। तो ये है चरण पहाड़ी, ये चरण पहाड़ी राधे। उधर से ये ठाकुर जी का पूरा चरण है, ये ठाकुर जी का पूरा चरण, पूरा पूरा चरण है, और ये अंगूठा है, डायन का अंगूठा है, बाएं पाम का पूरा चरण है ठाकुर जी। यही है ना यहाँ पे, और ये जो पीछे है ये तो पहाड़ी है। अच्छा पहाड़ी है, मेन जो यही है चरण पहाड़ी जो है, ये ठाकुर जी की चरण पहाड़ी है। इधर है ठाकुर जी के चरण, और उधर है ठाकुर जी के अंगूठे का निशान। ऐसे जैसे ठाकुर जी खड़े होते वैसे ही खड़े थे, तो उधर अंगूठे और पैर जो चरण है उनका निशान हो गया, और ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। इधर ये पहाड़ी है, और इधर ये साथ में गौशाला भी बनी हुई है। तो पहाड़ी के को दिखाते हैं, और इधर है भोले बाबा जी पे, तो आपको करवाते हैं भोले बाबा के दर्शन चरण पहाड़ी पे। कीजिए आप भोले बाबा के दर्शन। तो ये है चरण पहाड़ी जो है नंदगांव में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने किए बिहारी जी के जो चरण हैं उनके दर्शन, और बिहारी जी का जो अंगूठा है उसके दर्शन आप लोगों को करवाए। तो ये जो जगह है ये है नंदगांव, ये बिल्कुल पीछे है ना, मेन रोड है, मेन रोड पे ही ये है ये चरण पहाड़ी, और इधर चरण गंगा कुंड भी है। तो दोस्तों चरण आपको दिखाया बिहारी जी के चरणों के निशान, और चरण पहाड़ी आपको दिखाई, और ये वाली वीडियो का हम लोग करेंगे यही पे एंड। अगर बीच में अगर इसके बाद कहीं और जाते हैं या इसमें कोई और दूसरा पार्ट ऐड करते हैं तो वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं किसी और दूसरी जगह करवाते हैं आपको ब्रज की सी यात्रा में, और बिहारी जी के दर्शन, बिहारी जी की जो भी लीलाएं हैं 84 कोस में फैली हैं वो सभी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और भी उत्तराखंड वगैरह की सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आ रही हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों किसी और दूसरी जगह। तो दोस्तों चरण पहाड़ी के आप लोगों को दर्शन करवाए, और चरण पहाड़ी के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा आशेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ इस टाइम हम लोग नंदगांव में, और नंदगांव में ही आशेश्वर महादेव मंदिर। आशेश्वर महादेव मंदिर वो जगह है जब भोलेनाथ जी बाबा का रूप लेके आए थे ना, जब कृष्ण जी छोटे थे तो यशोदा मैया के घर पे आए थे, तो दरवाजे पे यशोदा मैया ने उनको भोले बाबा को मिलने नहीं दिया क्योंकि वो बाबा का भेष बना के आए थे, तो कई कान्हा जी हमारे लड्डू गोपाल जी डर जाएंगे उनसे, इस वजह से उन्होंने मिलने नहीं दिया था। तो भोलेनाथ जी ने की जो आत्मा थी वो शरीर से निकल कर भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके आई थी। Bye.